जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी विगत दिनों मनगवा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव में विद्युत समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद जनपद अध्यक्ष ने पत्रकारों के रूबरू होते हुए अपनी मांगों की जानकारी दी है। जनपद अध्यक्ष ने बताया कि मनगवा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 200 गांव में ट्रांसफार्मर जले हैं, जिनके बदलने पूरे विधानसभा की सभी पंचायतों में जली हुई केवल बदलने के साथ किसानों के बढ़े हुए बिजली के बिलों में सुधार। विद्युत विभाग मनगवा में बैकुंठपुर, लाल गांव, गढ़ कटरा बस स्टेशनों के कनिष्ठ अभियंताओं को विद्युत विभाग हेतु सही तरीके से मॉनिटरिंग कराने की मांग की गई है। आइए सुनाते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विकास तिवारी ने क्या कहा है। मूलतः किसानों, गरीबों, पिछड़े, दलित, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग की बेतहाशा बिजली के बिल और अघोषित कटौती एवं जले हुए ट्रांसफार्मर और केबिल की जो विद्युत विभाग की तानाशाही रवैया है, इससे संबंधित हम सब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चेताना चाहते हैं कि वो 15 दिवस के अंदर हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा पूरे जिले में हम सब पंचायत राज के लोग, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एकजुट होकर पूरे जिले भर में कलेक्टर कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय और एमपीबी कार्यालय का तालाबंदी करेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि 2 दिवसीय धरना मनगवा कार्यालय, एमपीबी कार्यालय में हम सब और मेरे पंचायत राज के साथियों द्वारा दिया गया। 2 दिन के धरने के बाद कल रात 8 बजे एमपीबी रीवा जिले की नींद खुली और हम सबका धरना समाप्त कराने यहां से एसी आईपी त्रिपाठी और मनगवा विधानसभा के सारे डी, जेई और एई पहुंचे। जब 36 घंटे धरना चला, जनप्रतिनिधि के बैठने पर हम सब पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य धरने में बैठे, तब एमपीवी की नींद 36 घंटे में खुली तो हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, छोटे छोटे किसान की समस्या जो रजिस्टर में लिखी जाती है, उसको दूर करने के लिए कितना वक्त लेते होंगे, जिसमें कल बड़े मुश्किल से एसी ने मुझे 15 दिन में 50 ट्रांसफार्मर बदलने का आश्वासन दिया, 15 दिन में, और मेरे द्वारा उनसे 1,00,000 मीटर केबिल की मांग की गई जो सिर्फ सुधार हेतु है। उतनी केबिल मिले तब सिर्फ लाइट का संचार बेहतर होगा और किसानों की सिंचाई हो पाएगी। 13/3/18 13 दिन का समय है, 13 दिन में बोनी होगी, वैसे भी किसान एरा मवेशियों से पर्याप्त परेशान है और एक तो विद्युत विभाग की तानाशाही रवैये से, इसके कारण 15 दिन का उन्होंने समय मांगा है कि हम ये समीक्षा करके विद्युत विभाग की जो समस्याएं हैं मनगवा विधानसभा में निपटा लें। पर यह आंदोलन सिर्फ मनगवा तक सीमित नहीं है, यह आंदोलन जिला, संभाग, पूरे प्रदेश के पंचायत राज के लोग अपने किसानों के लिए, अपने मजदूरों के लिए, पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित समाज के लिए लड़ेगा, क्योंकि गरीब वर्ग के लोगों ने हम सब पंचायत राज के लोगों को सरपंच के पद पर, किसी को पंच के पद पर, जनपद सदस्य के पद पर, जिला पंचायत सदस्य के पद पर, जनपद अध्यक्ष के पद पर और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद बैठाया है, तो किसी एक जिम्मेदारी के साथ बैठाया होगा और एक अपेक्षा के साथ बैठाया हो, तो हम सब पूरी ताकत के साथ अपनी जनता की, अपने किसानों की अपेक्षा को पूरा करेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अभी जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय और प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे।